गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड SIP या वन टाइम के लिए इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव कर दिखाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से खुद से इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न्स कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से SIP और वन टाइम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है और SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरिंग एप्लीकेशन में SIP कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया रहता है। आप उसका इस्तेमाल करके SIP रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपके ब्रोकरिंग एप्लीकेशन में SIP रिटर्न्स का कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन और उसे इस्तेमाल करके आप SIP रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे SIP कैलकुलेटर आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ पर मैं एक SIP कैलकुलेटर रिकमेंड कर देता हूँ आपको, जो काफ़ी अच्छा है और इजी तरीके से आप आसानी से SIP रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च ऑप्शन सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। सर्च करने के बाद ही यहाँ पर आपको SIP कैलकुलेटर SIP प्लानर नाम से एक आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा और इसका लोगो जो है हरे कलर का है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे इंस्टॉल क्लिक कर लिया हूँ, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे इसे ओपन करता हूँ तो इस प्रकार का लोगो शो करता है और जैसे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आते हो तो सबसे ऊपर में ही आपको SIP और वन टाइम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप SIP का रिटर्न्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो SIP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप वन टाइम का रिटर्न्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो वन टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं SIP का सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, तो SIP मैं सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मंथली SIP कितना आप करते हो तो आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर पर 500 कर लेता हूँ और अमाउंट के नीचे में एक्सेप्टेड गेन पर ईयर का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है परसेंटेज में। तो यहाँ पर मैं 6 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप SIP कितने साल या कितने महीने के लिए आप करना चाहते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 5 ईयर के लिए सेलेक्ट कर लिया। या 6 ईयर के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप जितने ईयर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद कैलकुलेटर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो आपका टोटल रिटर्न्स जो है यहाँ पे शो करने लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना इन्वेस्टेड हुआ और टोटल रिटर्न्स यहाँ पे कितना है वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वन टाइम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद वन टाइम के लिए कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस अमाउंट को यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं 20,000 कर देता हूँ वन टाइम के लिए और उसके बाद एक्सेप्टेड गेन में आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। 8% में सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल तौर पर और उसके बाद नीचे में ईयर सेलेक्ट करना है। 10 ईयर में सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कैलकुलेटर वाला उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका टोटल बेनिफिट टोटल रिटर्न्स यहाँ पे शो करने लगता है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और उसके बाद प्रॉफिट और उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पर शो करने लगता है। तो इस प्रकार से आसानी से रिटर्न्स निकाल सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। और SIP कैलकुलेटर के अलावा भी इस एप्लीकेशन में अदर्स कैलकुलेटर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो अदर्स कैलकुलेटर वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको FD कैलकुलेटर, RD कैलकुलेटर और इसके अलावा लोन EMI कैलकुलेटर और इसके अलावा PPF कैलकुलेटर और SIP विथ इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। तो ये सारे जो कैलकुलेटर इस सारे कैलकुलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि किस प्रकार से वन टाइम या SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो कमेंट से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अब तक टेक केयर। जय हिंद।